सब लोग मतलब के लिए रहते हैं, आपका मतलब खत्म हो गया भाई, आप जाओ बाहर में। मैं उस टाइप का ब्लॉगर नहीं हूँ। बहुत सारे ब्लॉगर ना ऐसे रहते हैं कि भाई अपने बाइक को, अपने जान के टुकड़े को गिरा देते हैं और कंटेंट निकाल लेते हैं। दुआ वगैरह करना आपके भाई के लिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो। लोग तो भाई गिरगिट की तरह रंग बदल, स्टोर वगैरह, शॉप वगैरह तो आपके भाई को सजेस्ट कर देना कहाँ पर अच्छा वाला ग्लव्स मिलता है। या फिर अरे भाई ये क्या सीन है, कहाँ? ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही सिर्फ हेल्प करता हूँ, लड़कों को भी करता हूँ। मैं निकल गया था। हेलो जी, कैसे अपनी लवली यूट्यूब फैमिली, आप सभी को जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और गाइज मस्त होने भी चाहिए। आज का जो व्लॉग है अपन अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मुझे कहीं पर जल्दी फटाफट निकलना है। फटाफट से शिफ्ट होते हैं मोटो व्लॉग में, लेकिन उससे पहले एक बार भाई आप लोग सीन चेक करो भाई, आज का वेदर काफ़ी कमाल का वेदर है। तो फटाफट शिफ्ट होते हैं मोटो व्लॉग में। सो भाई सीन कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ। भाई इस जगह पे तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा है किसी शांत सी लोकेशन पे जाके आप लोगों से बातें करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:04 और सुबह मैं गया था राइड करने के लिए। सोचा नहीं था भाई इतना खतरनाक वाला ऑफ रोड मिल जाएगा। अभी फिलहाल देख रहे हो भाई काली का कंडीशन। देखो भाई ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाइक तो पूरी गंदी हो चुकी है, लेकिन इसको जैसे भी हो आज धुलाना है। वॉशिंग सेंटर पहले जाना होगा, हमें वॉश करवाना होगा, फिर किसी जगह पे जाके आप लोगों से बात करेंगे अगर समय हुआ तो, नहीं तो भाई मोटो व्लॉग में बात कर लेंगे। बाकी एक बार भाई ऑफ रोड के बाद चेक करो भाई, पूरा मिट्टी यहाँ पे चेक कर सकते हो, पूरा मिट्टी लग चुका है भाई। ये स्लाइडर आज नहीं होता ना भाई, ये जो स्लाइडर भी थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है, मतलब छिल चुका है स्लाइडर, नहीं होता ना तो फाइबर बॉडी है ना भाई, कुछ ना कुछ आज कांड हो जाता है। भाई कभी भी सोचा नहीं था मैं अपने काली को लेके गिर जाऊंगा। मैं भाई उस टाइप का कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि अपने गाड़ी को गिरा के कंटेंट बनाऊँ, वो बातें हम बाद में करेंगे चलो। लेकिन फिलहाल चेक कर सकते हो भाई मिट्टी वगैरह बहुत है। आज बहुत कुछ भाई सीखने के लिए मुझे मिला ऑफ रोड के रिलेटेड और लाइफ के रिलेटेड, वही मैं आप लोगों से आज बात करूँगा। हो सके तो पूरा ब्लॉग आज का देख, आई होप जो मैंने सीखा है आज मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। सही है, तो फुल पावर यहाँ से निकलते हैं। अगर नहीं निकलेंगे, संडे का दिन है ना भाई, वॉशिंग सेंटर वगैरह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, तो यहाँ से निकलते हैं और जहाँ से मैं वॉश करवाता हूँ काली को वहाँ पर लेके चलेंगे, एंड देन फुल पावर अपन वॉश करवाएंगे काली को। आज का जो वेदर है भाई शाम का काफ़ी ज़्यादा है। हाँ भाई थोड़ा धूप है, लेकिन वेदर चेक कर पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग भी शूट किया जाए आप लोगों के लिए। भाई सीन कुछ ऐसा है कि ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये ब्लॉग मैं शूट करने नहीं वाला था, लेकिन लोग ना मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं अकेले ब्लॉग शूट कर नहीं पाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी भाई मेरे हिसाब से लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार है, और समझदार को भाई इशारा ही काफ़ी है। मुझे भाई इतना सीख मिल गया है भाई आज के, भाई जो भी लोग रहते हैं ना भाई, सब लोग मतलब के लिए रहते हैं, आपका मतलब ख़त्म हो गया भाई, आप जाओ बाहर में। सही है, ये चीज़ मुझे आज बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया। ये दुनिया भाई बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, एक्सेप्ट भाई दो इंसान को छोड़ के, एक आपकी माताजी, एक आपके पिताजी। ये दो इंसान मतलबी नहीं रहेंगे पूरे दुनिया में, बाकी पूरी दुनिया भाई मतलबी है। आपका जितना दिन काम हो बस, बाकी तो भाई आप फुट लो। आप लोग सोच रहे होंगे आकाश भाई आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहना, लास्ट ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा भाई मालूम रहेगा आप लोगों को कि वाटरफॉल में ना भाई मेरा ग्लव्स गिर गया, गिरने के बाद भाई निकला ही नहीं वाटरफॉल से। सो बात करते करते भाई आ चुके अपने फेवरेट सर्विस सेंटर पे। यहाँ पे ना भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा भीड़ है। लेट्स सी यहाँ पे अगर वॉश हो जाता है ना फुल पावर तो करवा लेंगे। सही है, बाकी भाई वही सीन है, नया वाला ग्लव्स लेना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, नहीं तो ये पूरा टैन हो जाएगा। भाई सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो वही सीन है। मॉर्निंग राइड पे तो भाई बहुत ही गलत वाला सीन हो गया मेरे साथ, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। सही है, पहले तो भाई अपने काली को अच्छे से वॉश करवा लेते हैं। भाई घर से निकले थे 5:04 शायद से, और अभी देखो टाइम हो रहा है 6:46। सोचा था आधा घंटा में हो जाएगा, उसके बाद मस्त तरीके से ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा लेट हो गया भाई, अंधेरा ही हो चुका है पूरा, अभी ब्लॉग क्या शूट करें। लेकिन जो भी हो फाइनली अपनी काली अच्छे तरीके से प्रॉपर वॉश हो चुकी है। और गाइस इसको मैंने आज ही क्यों वॉश करवाया जानते हो, घर पे अगर मैं घुसाता ना, मम्मी अगर काली को इस हालत में देखती एकदम मार मार के मेरा चटनी बना देती, क्योंकि पैंट और टी शर्ट का तो भाई मैंने घर पर जाके छुपा दिया, वो बाद में मैं धो दूँगा मम्मी को दिखाए बिना,
लेकिन काली को तो भाई ऐसे वॉश नहीं करवा सकता था। काली ना बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी थी ऑफ रोड के बाद। इसी वजह से गाइस मैंने सोचा कि आज काली को फुल वॉश करवा लेते हैं ताकि मम्मी को पता ना चले। मैं गया था ऑफ रोड में और वहाँ पे जाके भाई मेरे साथ तो अलग ही भाई कांड हो गया था। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो भाई आपको मालूम चलेगा। भाई मैं ना एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उस टाइप का व्लॉगर नहीं हूँ। बहुत सारे व्लॉगर ना ऐसे रहते हैं कि भाई अपने बाइक को अपने जान के टुकड़े को गिरा देते हैं और कंटेंट निकाल लेते हैं, सही है। मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ भाई। 2 लाख दे के मैंने बाइक खरीदा, ठीक है, और ये बाइक नहीं है, मेरा जान है, मेरा काली है, उसको मैं गिरा के कंटेंट बनाऊंगा कभी भी नहीं गाइस। लाइफ में पहली बार काली गिरा है, और एक बार नहीं गाइस दो बार काली गिरा है। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ है ना, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मेरे हाथों में मतलब कंट्रोल ही नहीं था। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि भाई ऑफ रोड में लेके जाऊँगा। भाई ऑफ रोड मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम भाई स्लिपरी रोड के ऊपर ना, लाल मिट्टी के ऊपर मैंने ऑफ रोड किया है। अगर सूखा हुआ रास्ता होता ना भाई, मैं गिराता नहीं कभी भी। लेकिन टायर जो है ना भाई, इतना ज़्यादा ग्रिप छोड़ रहा था ना भाई, ऊपर से भाई लाल मिट्टी था भाई, ले ही नहीं रहा था ग्रिप, तो पूरा मेरे हाथों से कंट्रोल वगैरह गया और काली दो बार गिरा। एक तो भाई मेरा जो फोकस है वो थोड़ा हिल गया था, इसी वजह से गिरा, और दूसरी बार ना मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए गया। भाई सब लोग ऊपर से जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैंने ये सोचा ही नहीं भाई कॉन्क्रीट का रास्ता नहीं है ये, मतलब इस टाइप के रास्ते पर ना ज़्यादा ग्रिप पकड़ता है, और लाल मिट्टी के रास्ते पर भाई ग्रिप पकड़ता ही नहीं है। ऑफ रोडिंग होता नॉर्मल सा कर देता मैं भाई, लेकिन वो वाला जो ऑफ रोडिंग था ना भाई, फिसलन भरा रास्ता था, और मैंने लाइफ में कभी भी इस टाइप का ऑफ रोड नहीं किया। और काली के साथ तो नहीं किया, इन्फिनिटी के साथ थोड़ा बोरा किया मैंने, लेकिन वो कंट्रोल में आ गई थी, काली के साथ मैंने कभी भी नहीं किया था, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं था। इसी चीज़ को बोलते हैं भाई एक्सपीरियंस कमाना। आज जैसा भी हुआ, जो भी हुआ भाई, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाया अपने आप में। लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, इस ब्लॉग में भी बताता हूँ, लोफर पहन के ना भाई कभी भी ऑफ रोड नहीं करना। अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी ऑफ रोड वगैरह करूँगा, मैं तो भाई नहीं जाऊँगा ऑफ रोड में काली को लेके। फिर भी अगर आ जाता है ना भाई, तो मैं स्पोर्ट्स शू एक खरीद लूँगा, मतलब जिसमें ज़्यादा ग्रिप हो ना, वो चीज़ में आप ऑफ रोड करो, मतलब ग्रिप वगैरह आ जाता है। मैं काली को क्या कंट्रोल करूँ भाई, मैं कहीं पर अगर पैर रखता हूँ ना, पूरा स्लिपरी होके ना डाउन के ओर चला जाता है, किचन में घुस जाता है, जूता का कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ। लास्ट में आने के टाइम में तो भाई मैंने व्लॉग ही शूट नहीं किया, थोड़ा बोरा फुटेज आप लोगों को दिखा दिया था भाई। बहुत खतरनाक तरीके से मैं रिटर्न आया जैसे तैसे करके। सोचा नहीं था भाई काली को लेके कभी भी मैं गिरूंगा, और फ्लेम स्लाइडर का काम आ गया भाई। जैसा भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो भाई, कुछ तो इम्पैक्ट होता ना, लेकिन फ्लेम स्लाइडर की वजह से इम्पैक्ट वगैरह नहीं हुआ, और काली भी अपनी फुल वॉश हो चुकी है। और सुबह सुबह मैं गया था राइड पे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा काली को वॉश करवाना है मम्मी के हाथों से, अगर बचना है तो। एक बार मम्मी देख लेती ना भाई, मारती नहीं लेकिन गाली देती, या फिर पूछती कहाँ पर गए थे, और मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं अगर बोल देता ना भाई, सच बोल देता कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और उसके बाद ना मेरा राइड पे निकलना भाई हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर देती मम्मी। इसी वजह से भाई मैंने कुछ भी नहीं बोला और काली को उठा के लेके आया वॉश करवाने के लिए। अभी मम्मी देखेगी ना, मम्मी खुश हो जाएगी कि भाई काली को वॉश करवा के लेके आया मेरा लड़का। सोचा था दिन में ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना भाई, मैंने सोचा नहीं था। और साथ ही में ना गाइज, यहाँ पे टाइम लगने का रीज़न भी है, मैं यहाँ से ही करवाता हूँ, अगर करवाता हूँ यहाँ से, या फिर यामाहा के सर्विस सेंटर में जाए करवाता हूँ, वहाँ पे अगर जाता हूँ तो चेन लूपिंग का काम हो जाता है, और यहाँ पे अगर करवाता हूँ ना, बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले तो भाई आप लोगों को नॉर्मल वाटर का वॉश देंगे, उसके बाद डीजल का वॉश देंगे, देन उसके बाद फॉर्म का वॉश देंगे, तीन चीज़ एक साथ करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इसीलिए टाइम लग जाता है भाई। मेरा बाइक करने में ना गाइस मिनिमम, जब से उन लोगों ने काम पकड़ा भाई, 1 घंटा ले लिया उन लोगों ने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, इसी चीज़ का भाई सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई। थोड़ा टाइम लगे, लेकिन काम जो हो ना एकदम परफेक्ट तरीके से काम हो, ताकि 4 लोग देख के बोले भाई वॉश जो करवाया है ना, 4 लोग तो नहीं लेकिन ओनर देख के बोले भाई वॉश जो करवाया है ना, 1 नंबर वॉश करवाया है। आज का दिन तो भाई मेरे लिए फुल ऑफ लेसन्स था, मुझे भाई लोगों का भी पता चला, लोगों का भाई छोड़ दो, लोगों का क्या है, लोग तो भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, छोड़ो वो सब चीज़ें, वो सब बीती हुई बातें हैं।
बीते हुए दिनों में ही रख के आते हैं। बाकी अंधेरे में कहाँ पर ही जाए आप लोग व्यू वगैरह दिखाने के लिए, एक जगह है भाई, व्यू पॉइंट है एक, वहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ा भाई तबीयत भी डाउन चल रहा है इन दिनों, दुआ वगैरह करना आपके भाई के लिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो जाए, ग्लव्स खरीदना पड़ेगा। एक लोग गुवाहाटी में रहते हो ना, तो अगर आप लोग जानते हो कोई स्टोर वगैरह शॉप वगैरह तो आपके भाई को सजेस्ट कर देना कहाँ पर अच्छा वाला ग्लव्स मिलता है, या फिर नाम भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, तो सजेस्ट कर देना कौन सा कंपनी का लेने से अच्छा होगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ अगर लूँगा तो थोड़ा ब्रांडेड कंपनी का लूँ, अभी देखता हूँ क्या ही करता हूँ, पैसे का भी बात होता है ना भाई। टाइम पे भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि संडे का दिन है, एक ही दिन होता है लोगों के पास, तो इस टाइम को ही गाइस सब लोग निकलते हैं, व्यू पॉइंट वगैरह जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड वगैरह करते हैं। सो दैट्स व्हाई इस टाइम पे ना गाइस जाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी आप लोगों को एक व्यू पॉइंट में लेके चलते हैं, अगर होप सो खुला रहता है, अगर नहीं रहता है तो भाई रिटर्न ही हो जाएंगे। साइड पे एक बार रश चेक करो गाइस, रश चेक करो, मैं तो भाई बैक साइड पे बहुत ज़्यादा ही रश देख के आया, ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। गुवाहाटी में क्या लोग पागल वागल हो गए संडे के दिन, खतरनाक भाई, ऐसा फील हो रहा है कि मैं संडे में घर पे ही रहता हूँ, मैं घूमने के लिए नहीं निकलता हूँ, इतना ज़्यादा लोग भाई, इतना ज़्यादा लोग, जहाँ देख रहा हूँ भाई वहाँ ही देख रहा हूँ। तो भाई गए थे हम लोग व्यू पॉइंट में, लेकिन वहाँ पे मुझे बोला गया कि गर्लफ्रेंड के साथ आना तो एंट्री है, अगर विदाउट गर्लफ्रेंड आओगे तो निकल जाओ। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, व्यू पॉइंट जो है वो बंद है, सालों ने घुसने ही नहीं दिया हमेशा ऐसा ही करते हैं, क्या नहीं पता, उस जगह को बंद करके रखा है। बाकी हर जगह पर मैं देख रहा हूँ भाई साहब लोग ही लोग, और जो जो जगह मैं देख रहा हूँ ना वहाँ पे अकेले अकेले जाना अच्छी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो तो सही है, अगर दोस्तों के साथ जाते हो तो भी सही है, लेकिन अकेले के क्या करोगे जाके। अरे भाई ये क्या सीन है, कहाँ आगे कहाँ, ब्रिज का पार, बैठो 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 जल्दी बैठो। देखो भाई रिक्स लेके जा रहे हैं, चालान वालान हो जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो भाई इस भाई को लिफ्ट दे देते हैं, ब्रिज के पार किधर जाना है, हाई स्ट्रीट तो किधर, जगह का नाम, हाँ अच्छा उधर ही ड्रॉप करना है, चलो भैया कर दे। हाँ हाँ मैं ऊपर, हाँ ऊपर जाऊंगा, ठीक है। इधर कर दे ड्रॉप, चलो चलो उतर जाओ, वेलकम। चलो भैया लिफ्ट दे दिया था लौंडे को, तो ऐसा सीन होता है भाई, देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही सिर्फ हेल्प करता हूँ, लड़कों को भी करता हूँ। मैं निकल गया था लेकिन हाथ दिखाया लड़के ने, मैं रुक गया, उसके बाद लिफ्ट दे दिया यहाँ तक, अगर पुलिस वाला पकड़ लेता चालान हो जाता है माता दी। तो एंड करते हैं भैया ब्लॉग को, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। और भाई मैंने सुबह लास्ट ब्लॉग में बताया था बहुत ही ज़्यादा राइड वगैरह कर रहा हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट वगैरह दिखाना, आप लोग बोल रहे थे लॉन्ग राइड करो, भाई लॉन्ग राइड भी किया, अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना तो करके क्या फ़ायदा है कि नहीं ये बता देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और खुशियाँ बांटते रहो डियर्स, बाय बाय।